Hey everyone, welcome to my channel. In today's video I am going to show you this eye makeup look. So बहुत ही simple है इसको create करना and बहुत easy way में मैं आपको दिखाऊंगी how to create this look. So अगर आपको देखना है how to get this look then please keep on watching. जो भी प्रोडक्ट यहाँ पे यूज़ की हो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, सो वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो. सो लेट्स स्टार्ट विथ टुडेज़ वीडियो. तो यहाँ पे आई शेडो पैलेट के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ सिग्मा ब्यूटी का 7 शेड आई शेडो पैलेट. दिस इज़ देयर न्यू लॉन्च और इसमें आपको 4 वेरिएंट मिल जाता है. दिस आर वेरी ट्रैवल फ्रेंडली एंड बहुत कॉम्पैक्ट पैकेजिंग है. अगर आपको बिगर पैलेट्स में नहीं इन्वेस्ट करना है तो ट्राई दिस पैलेट्स. इसमें बहुत ब्यूटीफुल शेड्स है, सो आप इस पे इन्वेस्ट कर सकते हो. दिस आर वेरी पिगमेंटेड, वेरी ब्यूटीफुल पैलेट्स. इसके बाद उनका मैं यूज़ करूँगी आई शेडो बेस. तो मेरे पास 5 शेड है, सो आप कोई भी शेड ट्राई कर सकते हो. ऑल आर वेरी पिगमेंटेड. आज मैं यूज़ करूँगी शेड आर्थन, जो कि बहुत अच्छा क्लोज मैच है मेरे आईलिड के साथ, और ये मैं यूज़ कर रही हूँ एज माई आई शेडो बेस. सो ये बहुत लॉन्ग लास्टिंग कर देता है आई मेकअप को, और साथ में जो भी पिगमेंटेशन है आईज़ में वो भी हाइड करता है. सो आप ट्राई कर सकते हो उनके आई शेडो बेस. बहुत सारे वेरिएंट में आता है, बहुत सारा कलर्स आपको मिल जाएगा. सो उसको मैं पूरे आईलिड पे अप्लाई कर लूँगी एंड ब्रश के हेल्प से थोड़ा सा स्मूथ कर लूँगी. इसके बाद मैं यूज़ करूँगी उनका विकेट जेल आईलाइनर. तो इसके हेल्प से मैं यूज़ करूँगी इसको टू क्रिएट द शेप. सो आई शेप को मैं सबसे पहले ट्रेस कर लूँगी विद दिस जेल आईलाइनर. और यहाँ पे मैं ब्रश के लिए यूज़ कर रही हूँ सिग्मा ब्यूटी का एंगल ब्रश. तो आप देख सकते हो मैं इसको यूज़ कर रही हूँ अपने क्रीज पे एंड आउटर वी पे. शेप को क्रिएट कर लूँगी सबसे पहले एंड पूरे आईलिड को भी पेंट कर लूँगी विद दिस जेल आईलाइनर. सो थोड़ा सा ओपेक फिनिश देना है, जितना ओपेक आप कर सकते हो. सो थोड़ा आपको टाइम देना है इसको फिल इन करने के लिए. इसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ उनका एन्चेंटेड पैलेट, और इसमें से जो मेटामॉर्फोसिस बोल के शेड है उसको मैं अप्लाई कर रही हूँ सेंटर लीड पे. सो इसमें ग्रीन एंड पिंक का बहुत अच्छा डुओक्रोम फिनिश मिलता है. सो ये एक्चुअली में बहुत ज़्यादा ग्रीन लग रहा है, बट कैमरे पे उतना अच्छे से नहीं ये दिख रहा है. बट दिस शेड इज़ वेरी ब्यूटीफुल. सो इसको मैं अप्लाई कर लूँगी सेंटर लीड पे, ओनली आउटर वी एंड इनर वी को छोड़ के. एंड इसके बाद मैं यूज़ करूँ कोडे रोज़ा पैलेट, और इसमें से जो बेले ऑफ द बॉल शेड है उसको अप्लाई करूँ इनर कॉर्नर पे फ्लड ब्रश के हेल्प से. सो सिग्मा के ब्रशेस आर वेरी गुड, उनका क्वालिटी बहुत अच्छा होता है. सो मैं उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो. तो इसके बाद मैं सेम जेल आईलाइनर को अगेन अप्लाई कर रही हूँ विंग के साइड में एंड थोड़ा सा आउटर पेरीमीटर पे आई शेप के, थोड़ा सा और ब्लैक करने के लिए. एंड यू कैन यूज़ माई कूपन कोड विच इज़ SHILPA10 टू गेट एक्स्ट्रा 10% ऑफ फ्रॉम सिग्मा ब्यूटी वेबसाइट ऑन देयर ऑल प्रोडक्ट. एंड इसके बाद मैं सेम जेल आईलाइनर को अप्लाई कर रही हूँ लैश लाइन के क्लोज एज माई आईलाइनर. इसके बाद मैं कंसीलर को यूज़ करूँगी आउटर वी पे, थोड़ा सा क्लीन एंड स्मूथ लुक देने के लिए. सो आउटर वी के विंग को थोड़ा सा क्लीन कर लेने के लिए. नेक्स्ट यहाँ पे मैं सेम जेल आईलाइनर को अप्लाई कर रही हूँ इनर कॉर्नर को पॉइंटेड करने के लिए, एंड साथ में लोअर वाटर लाइन पे यूज़ करूँगी एज माई काजल. इसके बाद मैं एन्चेंटेड पैलेट में से जो ब्राउन शेड है उसको अप्लाई करूँगी लोअर लैश लाइन को स्मोक आउट करने के लिए. एंड इसके बाद मस्कारा के लिए यूज़ कर रही हूँ सिग्मा का मस्कारा. सो ये बहुत अच्छा क्वालिटी का एक मस्कारा है, ये कर्लिंग मस्कारा है एंड ये बहुत अच्छा लेंथ भी प्रोवाइड करता है लैशेस को. सो आई लाइक दिस मस्कारा. सो आप देख सकते हो लोअर लैशेस को कितना अच्छा इफेक्ट दे रहा है. नेक्स्ट यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ सिग्मा ब्यूटी का ग्लो किस्ट हाईलाइटर पैलेट, और इसमें से जो फ्लेयर बोल के शेड है उसको मैं अप्लाई करूँगी टू हाईलाइट माई इनर कॉर्नर एंड ब्राउ बोन. सो दिस इज़ रियली ए वेरी ब्यूटीफुल हाईलाइटिंग पैलेट, आप इसको ट्राई कर सकते हो. इसके बाद मैंने 4 आईलैशेस अप्लाई किया है एंड दिस इज़ द फाइनल फिनिश लुक. सो आई होप आपको अच्छा लग रहा होगा आज का आई मेकअप, और उनका न्यू आई शेडो पैलेट्स भी आप चेकआउट कर सकते हो. लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दी हूँ. सो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, एंड यू कैन फॉलो मी ऑन माई सोशल मीडियाज़ फॉर मोर अपडेट. सो मैं आपसे फिर से मिलूंगी न्यू वीडियो के साथ. टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय.